नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एम टेक स्मार्ट प्रिंट आइडियाज में। दोस्तों जैसे कि आप सब जानते हैं, आप सबके लिए मैं नई नई वीडियो लाता रहता हूं और आप सबको एक नए से नए ट्रिक सिखाता रहता हूं। तो दोस्तों ठीक उसी तरह से आज की ये वीडियो भी आप सबके लिए इतनी उपयोगी है और इसमें एक नया सा ट्रिक मैं आप सबको बताऊंगा। हमारे पास में बहुत सारे कमेंट आए हैं कि सर हमें आप यूवी के जैसा इमोजिंग करना बताइए बिना यूवी के। जैसे कि आप लोगों के पास में हो सकता है यूवी नहीं है और हो सकता किसी के पास भी हो भी यूवी, तो जिसके पास में यूवी है वो तो फॉलो कर सकते हैं, वो तो यूवी से इमोजिंग कर सकते हैं, लेकिन जिसके पास में यूवी नहीं है वो बिना यूवी के इमोजिंग कैसे करेंगे। इसके लिए काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है लोगों की और ये बहुत ज़्यादा जानना चाहते हैं, काफ़ी लोग जानना चाहते हैं। और मैंने इस पर एक वीडियो और पहले बना रखी है कि 300 माइक्रोन से या 150 माइक्रोन फिल्म से हार्ड डेंसिटी फिल्म खोल करके और 3 से 4 mm उठी हुई प्रिंटिंग जो होती है उसमें इमोजिंग प्रिंटिंग हम कैसे करेंगे। तो अगर आपने वीडियो हमारी अभी तक नहीं देखी तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, हमने प्रिंटिंग की वीडियो बना रखी है और 300 माइक्रोन की फिल्म खोलने की भी वीडियो बना रखी है पहले से, वो हमारे चैनल पर अपलोड है, उसको आप देख सकते हैं। आज की जो वीडियो है इसमें हम आप सबको नॉर्मल फिल्म से, 5-star फिल्म होगी जो नॉर्मल फिल्म है, उसकी सहायता से जो हम प्रिंटिंग करते हैं उसी 5-star फिल्म से ही हम 50 नंबर कपड़े में इम्बोजिंग करेंगे और उसका ट्रिक क्या है, क्या तरीका है, वो मैं आप सबको बताऊंगा। तो बने रहिए आप वीडियो में पूरी तरह से शुरू से के लास्ट तक, देखते रहिए और ध्यान से देखते रहिए, जितना भी मैं आप सबको बताऊंगा आप उसमें सीखना, उसको फॉलो कीजिएगा। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप हमारे से द्वारा पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और सीख लेते हैं कुछ नया। तो फ्रेंड्स, ये जो हमने पेपर लिया हुआ है इसमें हम प्रिंटिंग करेंगे, अपने हिसाब से पेपर ले सकते हैं। तो ये पिन हमें लगा लिया हमने यहाँ पर और हर बार की तरह जो मैं बता देता हूँ कि पिन को आपने फिक्स कर लेना है, ठीक इसी तरह से आपको फिक्स कर लेना है पिन, उसके बाद में प्रिंटिंग स्टार्ट करनी है। और जो ज़रूरी चीज़ है यहाँ पर आपको डबल टेप लगा देना है थोड़ा, ये मैं लगा देता हूँ यहाँ पर, लगा दिया हमने। अब इसको हम पिन में लगाएंगे और प्रिंटिंग स्टार्ट करेंगे। ये हम इतना डिजाइन जो प्रिंट करेंगे, बाकी इसको हम बंद कर देंगे, काफी बड़ी डिजाइन हो जाएगी फिर हमारी। इसको मैं इतना बंद कर देता हूं पहले। हमने बंद कर दिया और अब हम इसमें स्टार्ट करेंगे प्रिंटिंग। अब इसमें क्या करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो आप ध्यान देना। इसमें आप देखेंगे मैं कलर कौन सा यूज कर रहा हूँ, देखेंगे यहाँ पर ये पीवीसी वाइट है, सुपर वाइट लिखा हुआ है यहाँ पे, सुपर सिल्क है और यहाँ पीवीसी मैट लिखा हुआ है, ये पीवीसी वाइट में ले रहा हूँ और इसको मैं पीवीसी वाइट से प्रिंट कर लेता हूँ। ये 5-star फिल्म है हमारी, देखेंगे आप ये जो फिल्म खुली हमारी है 5-star की फिल्म है और ये 50 नंबर कपड़े में फिल्म खुली हुई है, ध्यान देना आपको। जब भी आप फिल्म खोलेंगे तो 50 नंबर कपड़े में फिल्म खोलेंगे, हो सकता है आपके पास में 24 नंबर कपड़ा नहीं मिल पाता हो और उसमें दिक्कत आएगी आपको। तो ये सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ 5-star फिल्म से 50 नंबर कपड़े में फिल्म खोल लीजिए। फिल्म आप 5-star की भी खोल सकते हैं और डायरेक्ट फिल्म की भी खोल सकते हैं। यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ जो ये 5-star की फिल्म है। अब इसमें क्या करना है हमारे को, इसको हमें प्रिंट कर लेना है इस तरह से,
ये हमने प्रिंट किया। इस तरह से आपको कोटिंग करके प्रिंट करना है, ध्यान रखना कोटिंग करके ही प्रिंट करना है, सिंगल बिना कोड के आप प्रिंट नहीं करेंगे, कोटिंग करके इस तरह से प्रिंट करेंगे। आप उसमें मैटर भी कर सकते हैं, डिजाइन भी कर सकते हैं, मैं आपको डिजाइन दिखा रहा हूँ। और अगर आपको मैटर करना है, कोई टेक्स्ट है आपका, तो उसको भी आप इसी तरह से प्रिंट करेंगे, सेम तरीका आपको फॉलो करना है। अब ये हमारा प्रिंट हो गया। अब प्रिंट होने के बाद क्या करना है हमें, ये जब कलर हमारा सूख जाएगा, अभी हमने एक बार प्रिंट कर लिया इसको, और प्रिंट होने के बाद क्या करना है हमें, फिर दोबारा से इसको प्रिंट करना है, इसी के ऊपर सेम पिन पे सेम पोजीशन पे हमें दोबारा फिर प्रिंट करना है। ये हमारा दूसरी बार प्रिंट हो गया। जब ये आपका दूसरा इम्प्रेशन भी सूख जाए प्रिंट किया हुआ, फिर आपको तीसरा इम्प्रेशन भी इस पर लगाना होगा, क्योंकि जब तीसरा इम्प्रेशन लगाएंगे तभी इसमें थोड़ा कलर मोटा होगा और इसमें इमोजिंग आ पाएगी। अगर बहुत ज़्यादा आपको इमोजिंग चाहिए तो आप इसमें 4 से 5 इम्प्रेशन भी चला सकते हैं, लेकिन आप 3 इम्प्रेशन चलाएंगे तो काफ़ी हो जाएगा, बहुत बढ़िया इमोजिंग आ जाएगी इससे भी, ठीक ठाक बढ़िया जितनी चाहिए उतनी आ जाएगी। और ध्यान रखना जब आपका कलर सूखेगा तभी आप प्रिंट करेंगे, गीले में प्रिंटिंग नहीं करनी है। अभी तो मैं ऐसे सीधा डायरेक्टली प्रिंट कर रहा हूँ, सूख नहीं रहा, फिर भी मैं कर दे रहा हूँ प्रिंट। इसमें क्या होगा, थोड़ा इमोजिंग अभी कम आएगा, क्योंकि जब सूख जाएगा तो फिर इमोजिंग दोबारा चलाने में बढ़िया होगी। अभी मैं आपको ऐसे तरीका बता दे रहा हूँ। ये हमारा प्रिंट हो गया, ये प्रिंट हो गया हमारा, और इसमें इमोजिंग आ गई है। आपको मैं अभी दिखाऊंगा जब इसका और चौथा इम्प्रेशन चलाऊंगा, तब चौथे इम्प्रेशन में आप देखेंगे कितना इसमें इमोजिंग आ रहा है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। इसमें इमोजिंग आ चुकी है और अच्छी इमोजिंग आई है। इस तरह से आपको पहले पीवीसी मैट कलर से प्रिंटिंग कर लेना है। अब उसके बाद क्या करना है वो भी तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, देखते रहिए पूरी वीडियो। ये हमने कलर हटा दिया, व्हाइट कलर हमारा हट गया, हम इसको प्रिंट कर चुके हैं, इसको हमने हटा दिया और हम इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। प्रिंट करने के बाद फिर हमें इसको वॉश कर देना है, चाहे आप नाइट्रो से वॉश करें या माइल से वॉश करें, जो भी आपके पास में अवेलेबल है उससे आप वॉश कर सकते हैं। इसमें कोई मैटर नहीं रखता है कि आप एमआईएल से इसको वॉश करें। बस इसमें ध्यान आपको ये रखना है कि जो आपका कलर है पीवीसी मैट जो आपने प्रिंट किया है, ये अच्छी तरह से इसमें से निकल जाना चाहिए, कलर रहना नहीं चाहिए। अगर कलर रह गया तो फिर ये प्रॉब्लम करेगा।
ये हमारे पास हो गया। ये हमने बंद कर दिया, डिजाइन हमारा बंद हो गया। थोड़ा सा यहाँ पर खाली इसको बंद कर देते हैं। जब भी आप पीवीसी ग्लोज के बाद में ये हमने ग्रीन कलर ले लिया इसमें, और ये ग्लोस कलर है, मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं दिखाना भूल गया। ये जो हमने कलर लिया ये ग्लोस कलर है, ये देखेंगे आप यहाँ पर, ये देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ ना प्रिंटिंग सनग्लॉस, और ये पेपर ग्लॉस लिखा हुआ, ये ग्लोस कलर है। तो पहले आपको मैट कलर से प्रिंट कर लेना है, उसके बाद में फिर ग्लोस कलर ले लेना है और ग्लोस कलर से प्रिंट करना है। जब आप ग्लोस कलर से प्रिंटिंग करेंगे तो इसमें क्या होगा, इसमें और ज़्यादा बढ़िया जो एम्बोजिंग है वो एम्बोजिंग रहेगी, इसके साथ साथ में चमक भी आपको मिल जाएगी। चलिए हम इसको प्रिंट कर लेते हैं। अगर आपके पास में मैटर छपरा कोई टेक्स्ट है तो उसको आप एक बार प्रिंट करेंगे ऐसे ग्लॉस कलर से, और अगर कोई डिजाइन वगैरह है तो आप दो बार इस तरह से इसमें शार्पर खींच देंगे तब भी सही है, अच्छा है। और मैटर में आपको दो बार नहीं खींचना है, क्योंकि हो सकता है कि आपके पास में जो मैटर है वो भर जाए, थोड़ा इसको तरीके से खींचना है। और आप इस तरह से किसी भी कलर में एम्बोजिंग कर सकते हैं, ये मैंने आपको व्हाइट करके दिखाया, ऊपर से ग्रीन प्रिंट किया है। तो आप कुछ भी पहले नीचे व्हाइट चला लीजिए, उसके बाद में फिर कोई भी कलर ऊपर से प्रिंट कर देना, आपकी एम्बोजिंग आ जाएगी। और इसमें आप गोल्डन कलर से भी कर सकते हैं, इसके ऊपर गोल्डन कलर भी प्रिंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप बता देंगे, तो मैं फिर गोल्डन कलर की भी एक वीडियो बना दूंगा। ये हमारी प्रिंटिंग हो गई है, ये इमोजिंग वाली प्रिंटिंग हो गई। अब मैं इसको आपको नज़दीक से दिखाना चाहूँगा कि ये कैसा लग रहा है। ग्लोस कलर ये तो सूखने में टाइम लेता है, अभी सूखेगा नहीं, लेकिन आपको मैं दिखा सकता हूँ नज़दीक से कि इसकी प्रिंटिंग कैसी आ रही है, कैसा लग रहा है। अब इसमें आप देखेंगे जो हमने प्रिंटिंग किया है इसमें इमोजिंग कितनी आ रही है, इमोजिंग इसमें इतनी अच्छी आ चुकी है जो कि देखने में अच्छा लगेगा। आपको ध्यान रखना है, मैंने गीले गीले में सारा प्रिंट कर दिया है, लेकिन आपको कलर पूरा सुखा के उसके बाद ही प्रिंट करना है ग्लोस कलर, इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखना। और अगर मैटर होगा तो आपको एक ही बार प्रिंट करना है, अगर डिजाइन है तो आप ग्लोस का दो बार से वहाँ पर इम्प्रेशन मार देना, जैसे मैंने आपको मार के दिखाया हुआ है। तो इस तरह से ये एम्बोजिंग इसकी प्रिंटिंग आएगी। अब अगर आपको यहाँ पर एम्बोजिंग कम लग रही हो तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है, फिर वहाँ पर जो आपको मैट कलर से प्रिंट करना है वहाँ पर इम्प्रेशन बढ़ा देना है। पहले पीवीसी कलर से मैट से प्रिंट करना है, उसके बाद फिर ग्लॉस कलर ऊपर से प्रिंट कर देना है। अब यहाँ पर देखिए, आपको लग रहा होगा, अब पता चल रहा होगा कि ये एम्बोज हुआ है, कितना एम्बोजिंग लग रही है इसमें, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं अब लग रहा है, उस टाइम पता नहीं चला था, अब पता चल रहा है कि इम्बोजिंग हुआ, कितना इम्बोज लग रहा है। इस तरह से आप प्रिंट कर सकते हैं और इम्बोजिंग में एक नया लुक दे सकते हैं आप, बिना किसी 300 माइक्रोन की फिल्म के और बिना यूवी के आप इस तरह से प्रिंटिंग कर सकते हैं। और अगर यहाँ पर आपको चमक ज़्यादा और चाहिए, इससे भी ज़्यादा चमक चाहिए, तो आपको वहाँ पर दो बार ग्लॉस प्रिंट करना ही होगा, तो चमक बहुत बढ़िया आएगी। वैसे एक बार में आ जाती है, लेकिन फिर भी आप दो बार में कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने आज आपको इस वीडियो में बताया है कि बिना हाई डेंसिटी फिल्म के और बिना यूवी के आप इम्बोजिंग प्रिंटिंग कैसे करेंगे, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।